यह गौर करने वाला नजारा है जम्मू कश्मीर का, जहां चर्चित लाल चौक पर भगवान कृष्ण के भक्त उनकी पूजा आराधना करते हुए धार्मिक यात्रा निकाल रहे हैं। पिछले कई दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है जब कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय खुलकर कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मना पा रहा है। और उस लाल चौक पर जहां कभी पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया जाता था, तो कभी आतंकवादी संगठनों के पक्ष में प्रदर्शन और पथराव होते थे, उसी लाल चौक पर अमन चैन और शांति का वातावरण दिखाई पड़ रहा है। लाल चौक तेजी से बदल रहा है और यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जम्मू कश्मीर तेजी से बदल रहा है। धारा 370 और 35A हटाने के बाद मोदी सरकार के फैसले, सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत और स्थानीय कश्मीरी आवाम के द्वारा आतंकवादियों का साथ न देने के संकल्प से नए और बेहतर कश्मीर का निर्माण हो रहा है। पिछले दिनों 15 अगस्त पर पूरे लाल चौक को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया था। लाल चौक पर पहले तिरंगा लहराना भी एक बहुत मुश्किल काम हुआ करता था, क्योंकि पूरे इलाके पर आतंकी मानसिकता के लोगों का कब्जा था। लेकिन कश्मीर में राज्यपाल शासन के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। आतंकवादियों को स्थानीय लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है, इसलिए वह तेजी से कमजोर हो रहे हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की कठोर कार्यवाही से दहशतगर्द या तो मारे जा रहे हैं, या तो सुधर रहे हैं, या फिर कश्मीर छोड़कर वापस पाकिस्तान भाग रहे हैं। कश्मीर के बदले हुए हालात यह साबित कर रहे हैं कि कश्मीर में अमन चैन बहुसंख्यक मुसलमानों और अल्पसंख्यक हिंदुओं के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना कोई असंभव काम नहीं था, लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव था और राजनीतिक फायदे के लिए पुराने सत्ताधारियों ने कश्मीर को स्वर्ग से नर्क में तब्दील कर दिया था, जिसकी वजह से कश्मीर पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए जन्नत और भारतवासियों के लिए जहन्नुम बन गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करने वाले और उनका विरोध करने वाले दोनों ही लोग अलग अलग दृष्टिकोण से यह बात कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। कुछ लोग अव्यवस्थाओं और विफलताओं पर व्यंग करते हुए यह बात कहते हैं, तो कुछ लोग सकारात्मक विषयों और देश की सफलताओं पर इस बात को जोर से कहते हैं। लेकिन कश्मीर के लाल चौक पर लंबे समय बाद अपनी धार्मिक यात्रा बेफिक्र होकर निकालते हुए हिंदू समुदाय के अल्पसंख्यकों की खुशी बता रही है कि वाकई में कम से कम कश्मीर में तो यह बात लागू होती है कि मोदी है तो मुमकिन है।